नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम सौरभ कुमार है और मैं आप लोग को यहाँ पर संक्षिप्त इतिहास एनसीआरटी सार संग्रह क्लास 6 ट्वेल्व पढ़ा रहा हूँ, जो कि आपका ये वन लाइनर है। और इस किताब से हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मध्यकालीन भारतीय इतिहास का चैप्टर नंबर 30 और चैप्टर नंबर 30 का पार्ट नंबर 3 पढ़ गया, ठीक है। तो चैप्टर नंबर 30 का जो नाम है वो है मुगलों के अधीन आर्थिक तथा सामाजिक जीवन, और इसका पार्ट नंबर आज हम लोग सी पढ़ेंगे, ठीक है। तीसरा पार्ट आपका ये होगा वाणिज्य व्यापार का संगठन, तो वाणिज्य और व्यापार का संगठन कैसा था उसके बारे में पढ़ेंगे। भारतीय व्यापारिक वर्ग बहुत विशाल और पूरे देश में फैला हुआ था। ये लोग अत्यधिक संगठित और पेशेवर होते थे। तो भारतीय व्यापारिक वर्ग बहुत विशाल और पूरे देश में फैला हुआ था। ये लोग अत्यधिक संगठित और पेशेवर लोग होते थे। इनमें से कुछ लोग विशेष रूप से दूर दूर तक और अंतर क्षेत्रीय स्तर का व्यापार करते थे तथा कुछ को स्थानीय और फुटकर व्यापार में महारत हासिल थी। पहले वर्ग के व्यापारियों को सेठ बोहरा या मोदी कहा जाता था। दूसरे वर्ग के वाले लोगों को व्यापारी या वणिक कहा जाता था। तो पहले वर्ग के व्यापारियों को सेठ बोहरा या मोदी कहा जाता था और दूसरे वर्ग वाले लोगों को व्यापारी या वणिक कहा जाता था। वणिक लोग चीज़ों की बिक्री तो करते ही थे, साथ ही गांव और कस्बों में उनके एजेंट भी रहते थे जिनकी मदद से वे खाद्यान्न और नकदी फसल खरीदते थे। तो वणिक लोग चीज़ों की बिक्री तो करते ही थे, साथ ही गांव और कस्बों में उनके एजेंट भी रहते थे जिनकी मदद से वे खाद्यान्न और नकदी फसल खरीदते थे। व्यापारियों के एक विशेष वर्ग को एक स्थान से दूसरे स्थान पर माल को थोक पैमाने पर ले जाने में विशेष महारत हासिल थी। ये लोग बंजारा कहलाते थे। तो व्यापारियों के एक विशेष वर्ग को एक स्थान से दूसरे स्थान पर माल को थोक पैमाने पर ले जाने में विशेष महारत हासिल थी और ये लोग बंजारा कहलाते थे। बंजारे दूर दूर तक व्यापारिक यात्राएं किया करते थे तथा कभी कभी तो उनके कारवाओं में अनाजों, दालों, घी और नकद से लदे हजारों बैल, नमक से लगे लदे हजारों बैल शामिल रहते थे। अधिक कीमती वस्तुएं जैसे सूती और रेशमी कपड़े आदि ऊंटों, खच्चरों या गाड़ियों पर लादी जाती थी। माल को नावों में जल मार्ग से ले जाना ज्यादा किफायती था। नदियों और समुद्री तटों पर नावों के द्वारा माल का परिवहन आज की अपेक्षा अधिक विकसित अवस्था में था। इस काल में खाद्य पदार्थ और तरह तरह के कपड़े अंतर क्षेत्रीय व्यापार की मुख्य मदें हुआ करती थी। बंगाल चावल और शक्कर के अतिरिक्त नफीस मलमल रेशम का निर्यात करता था। तो बंगाल चावल और शक्कर के अतिरिक्त नफीस मलमल और रेशम का निर्यात करता था। कोरोमंडल तट वस्त्र उत्पादन का प्रमुख केंद्र बन गया। तो कोरोमंडल तट वस्त्र उत्पादन का प्रमुख तट बन गया। गुजरात विदेशी माल का प्रवेश द्वार था। वह उत्तर भारत को नफीस सूती और रेशमी कपड़ा पटोला निर्यात करता था। तो गुजरात विदेशी माल का प्रवेश द्वार था। वह उत्तर भारत को नफीस सूती और रेशमी कपड़ा पटोला निर्यात करता था। बुरहानपुर और आगरा उत्तर भारत में व्यापार के प्रमुख केंद्र था। बंगाल से वहां खाद्यान्न और रेशमी कपड़ा आता था तथा मालाबार से काली मिर्च भी पहुंचती थी। उत्तर भारत विलासिता की वस्तुओं का आयात करता था तथा नील व खाद्यान्न का निर्यात करता था। तो बुरहानपुर और आगरा उत्तर भारत में व्यापार का प्रमुख केंद्र था। बंगाल से वहां खाद्यान्न और रेशमी कपड़ा आता था तथा मालाबार से काली मिर्च भी पहुंचती थी। उत्तर भारत विलासिता की वस्तुओं का आयात करता था तथा नील व खाद्यान्न का निर्यात करता था। लाहौर दस्तकारी की वस्तुओं का उत्पादन का महत्वपूर्ण केंद्र था। कश्मीर में बनी विलासिता की वस्तुओं जैसे साल, गलीचे आदि के भी वितरण का केंद्र लाहौर ही था। पंजाब और सिंध के उत्पाद सिंधु नदी के रास्ते इधर उधर ले जाए जाते थे। एक ओर काबुल और कंधार के साथ तथा दूसरी ओर आगरा और दिल्ली के साथ लाहौर का घनिष्ठ व्यापारिक संबंध था। 17वीं सदी में गुजरात पहुंचने वाले डच और पुर्तगाली व्यापारियों ने भारतीय व्यापारियों को बहुत सक्रिय और जागरूक दृष्टि से देखा था। अब पैसे को देश के एक भाग से दूसरे भाग में आसानी से ले जाने की सुविधा देने वाली एक वित्तीय प्रणाली से माल के संचालन में मदद मिली। मुगल काल में वस्तु विनिमय का माध्यम हुंडी था। हुंडी एक साख पत्र होती थी जिसका भुगतान किसी निश्चित समय के बाद छूट के साथ किया जाता था।
हुंडी में हमेशा बीमे की राशि भी शामिल होती थी। तो मुगल काल में वस्तु विनिमय का माध्यम हुंडी था। हुंडी एक साख पत्र होती थी जिसका भुगतान किसी निश्चित समय के बाद छूट के साथ किया जाता था। हुंडी का में हमेशा बीमे की राशि भी शामिल होती थी। बीमे की दर माल के मूल्य, तो बीमे की दर माल के मूल्य उसे पहुंचाने के ठिकाने और उसकी ढुलाई की पद्धति अर्थात थल मार्ग नदी या समुद्र जिस रास्ते से उसे ले जाया जाता था पर निर्भर थी। तो बीमे की दर माल के मूल्य उसे पहुंचाने के ठिकाने और उसकी ढलाई की पद्धति अर्थात थल मार्ग नदी या समुद्र जिस रास्ते से उसे ले जाया जाता था पर निर्भर करती थी। मुद्रा के विनियम का काम करने वाले सराफा हुंडियों के कारोबार के विशेषज्ञ होते थे और इस प्रक्रिया में वे खानगी बैंकों का काम करते थे। वे सरदारों के पैसे जमा रखते थे और उसे उधार लगाते थे। हुंडियों के जरिए वे साख पैदा करते थे जो मुद्रा के प्रचलन की अनुपूर्ति करता था। भारत का व्यापारिक समुदाय किसी एक जाति या धर्म का नहीं था। निराती व्यापारियों में हिंदू जैन और मुस्लिम सभी शामिल थे। राजस्थान में ओसवाल महेश्वरी और अग्रवाल और मारवाड़ी कहने लगे। मध्य एशिया के साथ थल मार्ग से न चलने वाला व्यापार मुल्तानियों अफगानों और खत्रियों के हाथों में था। तो मध्य एशिया के साथ थल मार्ग से चलने वाला व्यापार मुल्तानियों अफगानों और खत्रियों के हाथों में था। 18वीं शताब्दी में मारवाड़ी महाराष्ट्र और बंगाल में फैल गए। कोरोमंडल तट के चेट्टी और मालाबार के मुस्लिम व्यापारी जिनमें हिंदुस्तानी व अरबी दोनों शामिल थे दक्षिण भारत के सबसे महत्वपूर्ण व्यापारिक समुदाय थे। तो कोरोमंडल तट के चेट्टी और मालाबार के मुस्लिम व्यापारी जिनमें हिंदुस्तानी व अरबी दोनों शामिल थे दक्षिण भारत के सबसे महत्वपूर्ण व्यापारिक समुदाय थे। वीरजी बोहरा को सूरत के व्यापार पर कई दशकों तक वर्चस्व रहा। उसके पास जहाजों का एक विशाल बेड़ा था और वह अपने समय के सबसे धनाढ्य व्यक्तियों में गिना जाता था। तो कोरोमंडल तट के चेट्टी और मालाबार के मुस्लिम व्यापारी जिनमें हिंदुस्तानी व अरबी दोनों शामिल थे दक्षिण भारत के सबसे महत्वपूर्ण व्यापारिक समुदाय थे। बिरजी बोहरा का सूरत के व्यापार पर कई दशकों तक वर्चस्व रहा और उसके पास जहाजों का एक विशाल बेड़ा था और वे अपने समय के सबसे धनाढ्य व्यक्तियों में गिना जाता था। फ्रांसीसी यात्री बर्नियर कहता है कि व्यापारी अपने आप को गरीब दिखाने की कोशिश करते थे क्योंकि उन्हें डर था कि अगर उनकी हैसियत का पता चल गया तो उनसे जबरन धन उगाही की जाएगी। और शेर शाह के शासन काल से सम्राटों ने व्यापारी की संपत्ति की रक्षा के लिए कई कानून बनाए। जहांगीर के कानूनों की एक धारा यह थी कि यदि किसी की वे काफिर हो या मुस्लिम मृत्यु हो जाए तो उसकी संपत्ति और माल असबाब उसके उच्चाधिकारियों के लिए सुरक्षित रखा जाए तथा कोई उन्हें हाथ न लगाए। यदि उसका कोई वारिस न हो तो उसकी संपत्ति की रक्षा के लिए निरीक्षक पहरेदार नियुक्त किया जाने चाहिए ताकि उसे प्राप्त धन को उचित कार्यों में जैसे मस्जिद बनवाने सराय बनवाने टूटे या पुलों की मरम्मत और तालाब बनवाने अथवा कुएं खुदवाने में लगाया जा सके। तो जहांगीर के कानूनों की एक धारा यह थी कि यदि किसी की वे काफिर हो या मुस्लिम मृत्यु हो जाए तो उसकी संपत्ति और माल असबाब उसके उच्चाधिकारियों के लिए सुरक्षित रखा जाए तथा कोई उन्हें हाथ न लगाए। यदि उसका कोई वारिस न हो तो उसकी संपत्ति की रक्षा के लिए निरीक्षक और पहरेदार नियुक्त किया जाए ये जानना चाहिए ताकि उसे प्राप्त धन को उचित कार्यों में जैसे मस्जिद बनवाने सराय बनवाने टूटे हुए पुल की मरम्मत और तालाब बनवाने अथवा कुएं खुदवाने में लगाया जा सके। व्यापारियों के प्रत्येक समुदाय का अपना एक नगर सेट या अगुआ हुआ करता था। जो स्थानीय अधिकारियों से उनकी ओर से बात कर सकता था। ठीक है, कई कारणों से 17वीं सदी में भारत में वाणिज्य व्यापार का विस्तार हुआ। एक महत्वपूर्ण कारण मुगल शासन के अधीन देश का राजनीतिक एकीकरण और विस्तृत क्षेत्रों में शांति सुव्यवस्था की स्थापना करना था। तो कई कारणों से 17वीं सदी में भारत में वाणिज्य व्यापार का विस्तार हुआ। एक महत्वपूर्ण कारण मुगल शासन के अधीन देश का राजनीतिक एकीकरण और विस्तृत क्षेत्रों में शांति सुव्यवस्था की स्थापना करना था।
मुगलों ने सड़कों और सरायों की ओर विशेष ध्यान दिया, जिससे संचार और परिवहन व्यवस्था में सुधार हुआ। वस्तुओं के साम्राज्य में प्रवेश करने के स्थल पर एक ही बार एक समान दर से चुंगी वसूल की जाती थी। तो मुगलों ने सड़कों और सरायों की ओर विशेष ध्यान दिया, जिससे संचार और परिवहन व्यवस्था में सुधार हुआ। वस्तुओं के साम्राज्य में प्रवेश करने के स्थल पर एक ही बार एक समान दर से चुंगी वसूल की जाती थी। सड़कों पर वसूल किए जाने वाले शुल्कों या राहदारी को गैर कानूनी करार दे दिया गया, हालांकि कुछ स्थानीय राजा उसकी वसूली करते थे। तो सड़कों पर वसूल किए जाने वाले शुल्कों या राहदारी को गैर कानूनी करार दे दिया गया, हालांकि कुछ स्थानीय राजा उसकी वसूली करते थे। ये सिक्के भारत में और भारत से बाहर मानक मुद्रा बन गए थे। जिससे व्यापार में सहायता मिली। ठीक है, मुगलों की कुछ नीतियों से अर्थव्यवस्था के वाणिज्यकरण या मुद्रा पर आधारित अर्थव्यवस्था के विकास में मदद मिली। स्थायी सेना को और बहुत से प्रशासनिक पदाधिकारियों को, लेकिन सरदारों को छोड़कर नकद वेतन दिए जाते थे। जब्ती प्रणाली के अंतर्गत भू राजस्व का निर्धारण नकदी के तौर पर किया जाता था, तथा उसकी नकदी अदायगी अपेक्षित थी। ग्रामीण अनाज मंडियों के विकास से कस्बों छोटे शहरों का उदय हुआ। सरदारों की विलासिता की वस्तुओं की मांग के फलस्वरूप दस्तकारी उत्पादन में वृद्धि हुई और इससे शहरों का विकास हुआ। 16वीं सदी में कई बड़े शहरों का विकास हो चुका था। रॉयल फिंच के अनुसार आगरा और फतेहपुर सीकरी लंदन से बड़े थे, जबकि लंदन उन दिनों यूरोप का सबसे बड़ा नगर था। तो 16वीं सदी में कई बड़े शहरों का विकास हो चुका था। रॉयल फिंच के अनुसार आगरा और फतेहपुर सीकरी लंदन से बड़े थे, जबकि लंदन उन दिनों यूरोप का सबसे बड़ा शहर नगर था। अकबर के दरबार में हाजिर होने वाले पादरी मोंसेरेट फादर मोंसेरेट का कहना है कि लाहौर यूरोप या एशिया के किसी भी नगर से कम नहीं था। तो अकबर के दरबार में हाजिर होने वाले पादरी मोंसेरेट फादर मोंसेरेट का कहना है कि लाहौर यूरोप या एशिया के किसी भी नगर से कम नहीं था। सत्रहवीं सदी के मध्य में अपनी यात्रा विवरण लिखने वाले बर्नियर कहता है कि दिल्ली पेरिस से कम नहीं थी और आगरा दिल्ली से भी बड़ा था। इस काल में पश्चिम में अहमदनगर, उत्तर पश्चिम में मुल्तान, पूर्व में पटना, राजमहल व ढाका फैलकर बड़े शहर बन गए थे। अहमदाबाद लंदन की तरह विशाल हो गया था। पटना की आबादी 2 लाख थी, जो उस समय के पैमाने से अत्यधिक बड़ी थी। ये सभी शहर मात्र प्रशासनिक केंद्र नहीं थे, बल्कि उद्योग व्यापार के केंद्रों के रूप में विकसित हुए। अकबर और औरंगजेब दोनों सभी तरह के तोपों के निर्माण में गहरी रुचि लेते थे। सभी तरह की तोपों, बंदूकों, बख्तरों और जहाजों के निर्माण तथा विकास इस क्षेत्र में सरकार के सीधे दखल देने के परिणाम का एक उदाहरण है। मुगल शासक ग्रामीण उत्पादन का एक बड़ा हिस्सा राजस्व के रूप में वसूल कर लेते थे, तथा उस उत्पादन को नकदी में परिवर्तित कर दिया जाता था। 1651 ईस्वी में शाहजहां ने समुद्री जहाजों के निर्माण का कार्यक्रम आरंभ किया था। नेक्स्ट आपका है मुगल कालीन सूबों की संख्या। ठीक है, तो अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। तो अकबर के समय में सूबों की संख्या थी 12, और ये आपका 12 सूबे में जो है आईने अकबरी में वर्णित है, और बाद में 3 जो है और बढ़ गया था, तो टोटल आपका 15 हो गया था। तो शुरुआत में 12 था सूबे, और बाद आपका 20 के समय में 15 हो गया था, और जो नए सूबे जुड़े थे उसमें आपका 3 नए जो है क्षेत्र जुड़े थे, आपका 3 नए प्रदेश। एक था आपका बरार, एक था खानदेश और एक था अहमदनगर। तो बरार, खानदेश और अहमदनगर अकबर के टाइम में जो है सूबे बने थे। जहांगीर के समय में 15 सूबे थे, और सूबे जो है कांगड़ा सूबे को जीतकर लाहौर सूबे मिलाया गया, जो पहले से ही एक सूबा था। इस प्रकार इनकी संख्या पूर्वतः 15 रही। तो कांगड़ा को जीतकर जहांगीर ने इसको लाहौर में मिला लिया था। अगर अलग बनाता तो 16 हो जाता, लेकिन लाहौर में मिला लेने के कारण जो है सूबे की संख्या 15 ही रह गई थी। ठीक है, तो जहांगीर 15 सूबे कांगड़ा को जीतकर लाहौर सूबे में मिलाया, जो पहले से ही एक सूबा था।
इस प्रकार इनकी संख्या पूर्वतः 15 रही। शाहजहां के शासन काल में 18 सूबे था, तो पहले से 15 था और 3 18 हो गया, तो 3 नए सूबे कौन सा जुड़े, तो एक आपका कश्मीर, एक ठट्टा, एक उड़ीसा। तो कश्मीर, ठट्टा, उड़ीसा जो है, उड़ीसा को जहांगीर ने अपने साम्राज्य में मिला लिया, ठीक है, सॉरी शाहजहां ने, तो शाहजहां ने जो कश्मीर, ठट्टा, उड़ीसा तीन सूबे को अपने साम्राज्य में मिला लिया था, ठीक है। इस प्रकार 18 सूबे हो गए। औरंगजेब के काल में 20 अथवा 21 सूबे थे, तो पहले से 18 थे और 2 या 3 जुड़े थे। तो एक आपका बीजापुर था, जिसका जो है 1686 में अपने अधीन किया था, और गोलकुंडा का 1687 में जो है औरंगजेब ने अपने अधीन किया था, ठीक है। तो अकबर 12 सूबे आइन अकबरी में वर्णित है, और अब 15 हो गया था, और 3 नए सूबे जुड़े थे, बरार, खानदेश, अहमदनगर। जहांगीर 15 सूबे कांगड़ा को जीतकर लाहौर सूबे में मिलाया, जो पहले से ही एक सूबा था। इस प्रकार इनकी संख्या पूर्वत 15 रही। शाहजहां 18 सूबे, 3 कश्मीर, ठट्टा और उड़ीसा को जोड़ा गया, और अंगे 20 अथवा 21 सूबे, 2 जो है 2 सूबे को जोड़ा गया, एक आपका बीजापुर 1686 में, एक आपका गोलकुंडा 1687 ईस्वी में। इस प्रकार हमारा चैप्टर जो है समाप्त होता है। तो आज के लिए बस इतना ही, आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।